कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी ने गाइडलाइन जारी की। वाराणसी में कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या प्रतिदिन 300 से अधिक हो रही है। साथ ही जनपद में कोरोना से संक्रमित कुल व्यक्तियों की संख्या 1000 से ऊपर हो गई है। डीएम ने बताया कि शासनादेश में दिए गए प्रतिबंधों के अलावा भी अलग से कुछ प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है ताकि कोरोना के संक्रमण को नियंत्रित किया जा सके। जनपद में कक्षा 10 तक के बच्चों एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के या जो लोग किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं या जो पूर्व में कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, ऐसे लोगों का घर से बाहर किसी आकस्मिक परिस्थिति के बिना निकलना प्रतिबंधित किया जाता है। रात्रिकालीन कर्फ्यू 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लागू रहेगा। बिना किसी आकस्मिक कारण के घर से बाहर निकलने पर महामारी अधिनियम व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। कक्षा 10 के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों एवं यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के अंतर्गत संचालित समस्त विद्यालयों को विद्यार्थियों हेतु 16 जनवरी तक बंद किया गया है। जनपद के समस्त धार्मिक स्थलों के व्यवस्थापकों प्रबंधकों को निर्देशित किया गया है कि अपने धार्मिक स्थलों में पीक आवर्स में श्रद्धालुओं की संख्या नियंत्रित करने के लिए सुविधाजनक समय सारिणी जारी करें ताकि एक ही समय में ज्यादा श्रद्धालु धार्मिक स्थल परिसर में न आ सके। ओमिक्रॉन का खतरा जो बढ़ा है उसमें प्रदेश की गाइडलाइन थी कि 1000 से ज्यादा यदि एक्टिव केस किसी जनपद में होते हैं तो उनमें रेस्ट्रिक्शन थोड़े स्ट्रिक्टली लागू किए जाएं और थोड़े लोकल प्रतिबंध भी लगाए जाएं। उसी के अंतर्गत आज से कुछ प्रतिबंध वाराणसी में लोकल लगाए गए हैं क्योंकि प्रतिदिन केस हमारे लगभग 370 से 390 के बीच में आ रहे हैं और एक्टिव केसेस 1600 से ज़्यादा हो गए हैं। उनको रोकने के लिए और ऐसे लोगों को संक्रमित होने से रोकने के लिए जिनके अनावश्यक आवश्यकता नहीं है घर से बाहर रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, उनमें विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं, 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं जो बिना किसी इमरजेंसी के घर के बाहर ना निकले, उनको एडवाइस किया गया है। बहुत अत्यंत आवश्यक कार्य हो तभी घर से बाहर निकलें, नहीं तो बाहर ना निकलें, संक्रमण से बचें। साथ ही ऐसी जगह जहां पे लोग आवश्यक कार्य से नहीं जाते हैं, जैसे 4 बजे के बाद विभिन्न प्रकार के पार्क हैं, खेल के स्टेडियम हैं, जो हमारे घाट हैं, गंगा के पार का एरिया है, उन जगहों पर किसी आवश्यक कार्य से जाना नहीं होता लोगों का 4 बजे के बाद, तो वो रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। मॉर्निंग वॉक जो करते हैं सीरियस जो हेल्थ अवेयरनेस के लोग हैं उनके लिए जाना स्वतंत्र है, लेकिन शाम को ये पाबंदियां लगाई गई हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार की दुकानें, मार्केट, ऑफिसेज, उनमें कोविड हेल्प डेस्क बना के मास्क की प्रतिबंधिता लागू करने पे फोकस किया गया है। जो वायलेट करेगा एक हफ्ते ऑब्जर्व करने के बाद उन पर कार्रवाई करने की इसमें निर्देश दिए गए हैं। ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा में 4 सवारियाँ बैठे हैं, सभी मास्क लगा के बैठे हैं, ज़्यादा लोग ना हों, इनके बारे में मैसेजिंग की गई है और अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट की जाए इसके ऊपर फोकस किया गया। जो यात्री बाहर से आ रहे हैं साहब, वो रात में अपने टेम्पो पर से आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? रात्रि में 10 बजे से लेकर 6 बजे तक पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू है, लेकिन नाइट कर्फ्यू में बहुत पहले से स्टेट की गाइडलाइन है कि यात्रियों को परेशान नहीं किया जाता है। जो मिनिमम पॉसिबल रात को ट्रेन आती हैं, बसेज आती हैं, फ्लाइट आती हैं, उनके यात्री भी आए, उनकी टैक्सी भी चले, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। और जैसा मैंने बताया कि प्रतिबंध जो लगाए भी गए हैं उसमें इमरजेंसी आकस्मिकता का प्रावधान बाकायदा किया गया है, तो चाहे 10वीं क्लास से नीचे के बच्चे हों, चाहे 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हों या यात्री हों, उन सबको प्रतिबंध से छूट है। जो बाहर के यात्री आते हैं उनके लिए रेलवे को बस स्टैंड्स पे और एयरपोर्ट पे आज एक विशेष निर्देश भी जारी किए गए हैं कि लाइन लगा के उनकी एंट्री एग्जिट सुनिश्चित करवाएं, वहाँ पे कोविड हेल्प डेस्क खोलें, कुर्सियाँ दूर दूर लगा के उनको अच्छे से बिठवाएं, भीड़ भाड़ ना हो, जो टिकट काउंटर हैं उन पर भी दूरी मेंटेन रखें, ये निर्देश आज शामिल किए गए हैं।